हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही जगह सही जगह क्लिक किया आपने। अब जो देखो, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर मतलब पार्ट टू इंट्रोडक्शन। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया, चारों ट्रायंगल बताए मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल और आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट टू बेटा, चैप्टर 12, ठीक, जिसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। उसमें हमने सभी का एरिया, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रैपीजियम, इनका सबका एरिया निकालेंगे। उसमें मैंने सबका एरिया और पैरामीटर आपको बता दिया है, तो ध्यान से हमें पर समझिएगा कि किसी को भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताएं। तो पहला हमने सबसे पहले लिया हमने आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बेटा, वो बराबर होती हैं और ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी भुजाएं जो है, सभी एंगल जो है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एल हमने लिया बेटा लंबाई और बी हमने लिया चौड़ाई, ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया को बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, क्या बोले ला, क्षेत्रफल, ठीक है। तो दोनों हमारा वो होता है, मतलब ये होता है, इक्वल होता है, तो क्षेत्र एरिया इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है। और वो होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब पैरामीटर की बात करें तो बच्चा क्या होता है, टू एल प्लस बी। भाई एक ही बात है, एल एल इसके सामने की भुजाएं बराबर है तो इसे जोड़ लो आप, ठीक है। तो ऐसे बी को जोड़ लो तो बी बी क्या हो जाएगा, टू बी। एल एल क्या हो जाएगा, टू एल, टू कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो छोटी सी बात है, बेसिक सी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गई बच्चा। अब एक चीज और जाननी है इसमें, एक हम यहाँ से डायगनल की लेंथ क्या निकालते हैं बच्चा, द लेंथ ऑफ द डायगनल। विकर्ण की लंबाई का हो बेला, इधर देखा एल, एल हम लेंथ ऑफ द डायगनल से डिनोट कर रहे हैं, या डी लिख लो, तो वो होगा बच्चा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम हेयर। देखो कैसे निकाला हमने, ये 90 डिग्री इसके सामने वाला क्या होगा बेटा, हाइपोटेनियस, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो डी मतलब डी क्या है, एच है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, बी है, एल है, और पी की वैल्यू क्या है, बी है। तो यही तो फॉर्मूला था, और एच क्या है, डी। ये हमने आपको बता दिया किस तरीके से ये आता है, ठीक है। दोबारा देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। बी की वैल्यू एल हो गई और पी की वैल्यू बी हो गई, और ये स्क्वायर उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा। हाँ, तो यही तो मैंने प्रूफ करा कि आया कैसे, ठीक है। बुझा गया सभी को जी, चले आगे है जी, चलें जी, रब कर दूं, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो बच्चा अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे वर्ग। स्क्वायर क्या होता है बेटा, लिसन ऑल ऑफ यू, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, का होवेला बराबर होवेला, ए ए ए और ए, है ना। ए यहाँ पर क्या है बेटा, उसको लिखेंगे हम भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा, या हिंदी में साइड, ओ इंग्लिश में साइड, ठीक है, ठीक। अब इसका बेटा पहला क्या एरिया क्या होता है बेटा स्क्वायर का, बताओ जरा, 4 into side ए स्क्वायर। पैरामीटर क्या होगा, 4 into side, पैरामीटर क्या होगा, 4 into side। आगे देखिए, उसके बाद एरिया, यहां तक समझ में आ गया आपको भाई। देखो एरिया क्या होगा, ए इंटू ए, है ना, और पैरामीटर क्या होगा, सबका सम, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबका सम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4a। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये जो है, यहां पर देखो डायगनल, यहां पर डायगनल निकलेगा वही बेटा, इसके सभी एंगल क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होवेला, ठीक है। तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, बुझा रहा है ना, बुझाना ही चाहिए, नहीं बुझा रहा है, भाषा समझ में नहीं आ रही यार, हिंदी में तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, क्लियर दैट, एरिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर और पैरामीटर इक्वल्स टू 4a। पैरामीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप, पैरामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। अरे भाई बाकी तो समझ में आता है ना कुछ, दोनों में,
अब इधर देखिए नेक्स्ट 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 डायगोनल का क्या होगा, देखो बच्चा सिंपल सा लॉजिक, दिस इज द बिलोंगिंग टू द ए राइट एंगल ट्रायंगल, देन दिस इज बिलोंगिंग राइट एंगल ट्रायंगल, अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम हियर, देन फाइंड द डायगोनल इज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज बेस इज ऑल्सो ए और परपेंडिकुलर इज ऑल्सो ए, बोथ आर द ए, देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ हेयर, लिसन ए स्क्वायर टू स्क्वायर एंड दिस इज द रूट टू ए, रूट टू ए, द डायगनल ऑफ द स्क्वायर इज रूट टू ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट आकाश जी, समझ में आ गई होगा सभी को, ठीक है नोट करें। नेक्स्ट है बेटा पैर ले लो ग्राम समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम यार, ठीक है जो नेक्स्ट है हमारा जिसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, तो पैरेललोग्राम जो है बच्चा वो क्या होता है, पैरेललोग्राम उसका फिगर डायग्राम देखो जरा, फिगर समझिए कैसा होता है, जी 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 इस तरीके से, हाँ उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती है, जैसे रेल की पटरी देखी आप लोगों ने, जहाँ नहीं मिलती जहाँ चलती रहती नॉर्मल तरीके से तो एकदम पैरेलल होगी वो, उनके बीच में बैठा गैप अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो ट्रेन इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए जो रेल की पटरी होती है हमारी पैरेललोग्राम होती है बेटा, पैरेलल होती है, क्या होती है पैरेलल होती है एकदम, उसमें गैप एकदम बराबर होता है, प्रॉपर तरीके से बनाते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी तो पैरेललोग्राम का ये है पहली प्रॉपर्टी है कि उसके आमने सामने की भुजाएं साइड जो होती हैं क्या होती हैं बराबर और इक्वल, बराबर और इक्वल, ठीक। एंगल का छोड़ो, एंगल की बात बाद में करेंगे, और यहाँ से हमने एक वो डाला क्या लेंथ, तो वो क्या हो गया हाइट हो गया, ये हमारा बेस मान लो, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चा बोलो, एरिया होता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चा यहाँ तक तो कोई डाउट। पैरामीटर क्या होता है बच्चा, वही चीज बेटा ये बराबर है आपने सामने तो टू है ना, मतलब एल प्लस बी कर लो, चलो एक ही बात है, मतलब यहाँ पर अब मैंने बी ले लिया इसको तो बी, चलो ए कर लो, रुक जाओ ये बी हो गया, इसको ए मान लो, ठीक है तो ए प्लस बी, ठीक कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या है तो बताएं, राम राम जी राम राम, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट है हमारा रोमबस, नेक्स्ट है बेटा हमारा क्या है रोमबस, ठीक है रोमबस क्या होता है ध्यान समझो, कोई बात नहीं 12 चैप्टर करा रहा हूँ बेटा, ठीक है नेक्स्ट क्या नहीं डायग्राम ही है, नेक्स्ट क्या बेटा रोमबस, रोमबस को हिंदी में बोलते हैं सम सम चतुर्भुज, ठीक है तो देखो रोमबस का काम क्या है बच्चा ध्यान समझिएगा, इसे रब कर दूं, देखो रोमबस आपने वो खाई है बेटा काजू कतली बर्फी, तो समझ लो वो उसी जो उसका डायग्राम, उसका डायग्राम कह रहा हूँ वो जो जिस शेप में होती है वो हमारा रोमबस होता है, ये अभी हम फोर्थ पढ़ा रहे हैं, ठीक है रोमबस पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं रोमबस, ठीक है। अब देखो रोमबस में क्या होगा बच्चा, इसके दो डायगनल होते हैं, डायगनल बराबर नहीं होते, इसके डायगनल बराबर नहीं होते, ये डी वन और ये डी टू, ठीक है जी, काइट की तरह, काइट नहीं होता मगर, ठीक है हाँ। तो अगर एरिया की बात करें, लिसन एरिया की बात करें तो क्या होगा बेटा, हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू, दोनों डायगनल आपको गिवन होंगे, डायगनल का मतलब विकर्ण, डायगनल को हिंदी में क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं, ये डी वन है और डी टू है बराबर जरूरी नहीं ये होते हैं, इसे विकर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो 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 क्या सिमेट्रिकल फिगर नहीं, क्या सिमेट्रिकल फिगर कहाँ से नहीं, ऊपर नीचे वो अलग अलग रहता है ठीक है। अब इधर अब देखो साइड, अगर मान लो मुझे ये ए इसकी साइड दे दी ए, बट ये है कि इसकी चारों साइड बराबर होती है, ए को हम क्या कहते हैं बेटा भुजा कहते हैं, ठीक है ए को हम क्या कहते हैं भुजा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा भुजा कहते हैं, ठीक है ए को हम भुजा कहेंगे, और वो यहाँ पर चारों बराबर होती हैं, क्या होती है बेटा बराबर, तो अगर पैरामीटर की बात करें तो क्या होगा फोर ए, पैरामीटर की बात करेंगे तो क्या होगा 4a, ये भी a और ये भी a और ये भी a, जी इक्वल होती है रोमबस की, ठीक है। अच्छा अब इसकी हम बात करें, अगर मुझे वो पेपर में पूछ दे कि साइड निकालो, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा,
उसका फॉर्मूला आपको याद हो करना पड़ेगा, डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर इंटू में हाफ। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, ये सब 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं डायगनल होते हैं आपस में कट इच अदर एट 90 डिग्री, आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मान लो डी वन बाई टू हो जाएगा, ये डी टू बाई टू हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आ जाएगा भाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल, ठीक। पैरामीटर भी आ गया आपको, पैरामीटर का एक फॉर्मूला और है, देखो जैसे ए निकल गया हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर 4a मतलब हाफ लगा देंगे, है ना, और डी वन का स्क्वायर बातें नहीं प्लीज डी टू का स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट में डी वन का स्क्वायर और डी टू का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका डायगनल का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, ट्राइपीजियम, हिंदी में बोलते हैं सम लंब चतुर्भुज, सम लंब चतुर्भुज, ठीक है, तो सम लंब चतुर्भुज जो होता है बेटा उसमें क्या होता है ध्यान समझिएगा, उसमें क्या है आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, क्या होती हैं बच्चा, समानांतर होती हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं समानांतर, बराबर पैरलर, ठीक है, लेंथ में बराबर नहीं होगा बट पैर नहीं इक्वल नहीं, पैरलर और इक्वल में फर्क है, ठीक है। ये देखो ऐसी लाइन होगी, ये ऐसे, ये देखो दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो डिस्टेंस वो बराबर होगी बस, फिफ्थ ट्रैपीजियम हिंदी में बोलते हैं समलंब, इंग्लिश में ट्रैपीजियम, ठीक है, मैंने बोला ना उनके बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बातें नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर इक्वल दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, है ना, और समानांतर, और दो साइड समानांतर होगी पैरेलल होगी, और दो साइड बिना मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका एरिया बस पूछते हैं, पैरामीटर बस बहुत ही कम आता है, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो एरिया का मतलब क्षेत्रफल, जो कितनी जगह कोई भी वस्तु कितनी जगह घेरती है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, हाफ ऑफ एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है, एच इंटू ए प्लस बी, ये क्या है हमारा एरिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताएं, नहीं चले आगे, ठीक। नेक्स्ट है बेटा एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, तो देखो जरा रफ कर दो इसको, नहीं इसमें पैरामीटर जरूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं, ठीक है, नहीं पूछते ना इसे ले ले फिर सब सबको जोड़ दे, इसको नाम दे दे कुछ भी भैया, सी डी है ना, इसको जोड़ दो, पैरामीटर अगर पूछेगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे कर लो, है जी, हाँ हाइट दोनों के बीच में एक इक्वल कहीं से भी, ये बराबर होगा, ये बस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका एरिया फोर वॉल, एट्थ क्लास तक बेटा वो, ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल, देखो अब आप अपने रूम में बैठे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, यहाँ रूम है ना, या घर में जो रूम है, कोई सा भी रूम, किसी भी रूम का चार दीवारों का एरिया क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। देखो एक वॉल जो होती है बेटा वो डिपेंड, हाँ जी, वो एक वॉल जो होती है डिपेंड करता है, वो रेक्टेंगल शेप में भी हो सकते हैं, स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, अभी आप मान के चलो कि रेक्टेंगल में है, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है, टू एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होगा बेटा, टू एल प्लस बी, सॉरी इंटू एच एल प्लस बी, ये है आपका एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। अब इसमें हाँ जी टू इंटू हाइट है, अब इसमें एक फॉर्मूला और आता है बच्चा, वो क्या आता है, डायगनल, जैसे मान लो ये रूम है, एक कोने से दूसरे कोने तक अगर कोई हम मान लो इसमें रॉड इंट्रोड्यूस करें, डंडा इंट्रोड्यूस करें, तो उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे लंबी लेंथ, डायगनल का फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका डायगनल का फॉर्मूला है, ठीक, पेपर में पूछ लेते हैं। अब देखो बता रहा हूँ, देखो जैसे ये दीवार है तो ऐसे हो जाएगी, ये वाली लेंथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ है जी, नहीं चार दीवार, फिर 3D फिगर आ गई, अभी तो मैं सारे फिगर बता रहा हूँ सब 2D में है, वो फिर 3D फिगर हो गई है, ठीक है, एक रूम 3D फिगर में आ गया, ठीक,
चलिए यहाँ तो किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या, सारे फॉर्मूले सारा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो है एक्सरसाइज 12.1 पे चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को मेरा राम राम। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें।